गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके बस हो गया बेटा, आधा घंटा मुझे इसमें व्यस्त नहीं करना है। गुड मॉर्निंग। ओके यस स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि अकाउंटिंग करने के तीन तरीके मुख्य तौर पे परफॉर्म होता है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी अलग अलग तरीके से परफॉर्म होती है, उसलिए उसका हिसाब किताब करने का तरीका भी अलग था। तीन ब्रांचेस देखिए हमने कौन कौन सी, बच्चे लोग बताओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कॉमर्स वाला करता है यूज, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कॉमर्स वाला इंडस्ट्री यूज करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ इंडस्ट्री वाला यूज करता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी यूनिवर्सल कंसेप्ट है जो दोनों यूज कर सकते हैं। कौन कौन? इंडस्ट्री वाला भी और कॉमर्स, यानी कॉमर्स के एरिया में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होता है और इंडस्ट्री के एरिया में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होता है। लेकिन फर्क क्या है, अब सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रॉबैक है एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है। क्या है? महंगा स्ट्रक्चर है बहुत, इसलिए हर कोई अफोर्डेबल नहीं कर पाता है। इसलिए अगर कोई एक पान ठेले वाला अगर सोचेगा, छोटा सा बड़ा नहीं, पान ठेले बड़ा भी दुकान होता है, मतलब आपको आप बड़े माने पे बन सकते फेमस अगर आप अपने स्किल से। तो एक छोटा सा पान ठेले वाला दुकानदार अगर ये सोचेगा कि भाई मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कराऊं और उसके लिए वो एक्सपर्ट एम्प्लॉय हायर करेगा, तो ही इज नॉट मतलब ही कैन नॉट प्रिफर्ड, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ यस ही कैन नॉट अफोर्ड द रेम्यूनरेशन ऑफ दैट एम्प्लॉय बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, दैट्स व्हाई। यानी ये अकाउंटिंग करने वाले जो एरिया वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी अमाउंट लेते हैं, रेम्यूनरेशन लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े दुकान यानी अंबानी अदानी, अगर इन लोगों को अपनी अकाउंटिंग करनी है तो उसमें ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्म कराते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी आज आपकी क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ, नेचर है ना। हाँ यस, तो अब दो में ध्यान दो, आज हम शुरू, अब आपके पोर्शन में कौन सा अकाउंटिंग है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एक आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक छोटी सी बात और आपको बतानी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और क्या काम करता है। देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, देखिए एक बात सुन लीजिए, मेरा काम जहाँ खत्म हो रहा है पढ़ाना, वहाँ पे मेरा काम पूछना शुरू होगा, फिर बता रहा हूँ मैं आपको क्लियर। तो इसलिए मेहरबानी करके जो भी डाटा है, आज जैसे मैं क्लास में आया तो मुझे इंटर ने बोला कि सर बॉयज को नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है उन्होंने बोल दिया, लेकिन जिस दिन मैंने देखा ना उस दिन यहाँ पे रहने दूंगा नहीं एक को भी, बता रहा क्लियर में। मेरा काम है जब मैं तुमको शिद्दत से हर चीज दे रहा हूं ना, तुम्हारा काम है मुझे उतना आउटपुट देना, तुम्हारा ना तुम्हारी पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट बर्बाद होने दूंगा और ना ही अपना नाम बर्बाद होने दूंगा। अगर मैं क्लियर, आपकी परफॉर्मेंस से दो चीज जुड़ी हुई है, एक तो पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट आपके और मेरा नाम, दोनों चीजें बर्बाद नहीं दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, समझा आपको क्लियर? चलिए तो अब सर और क्या सिखा रहे हो? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या है मीनिंग है, मैंने बना के दिया है, एन अकाउंटिंग थ्रू विच इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस फॉर फ्यूचर। देखो फॉर फ्यूचर ही जरूरी है, और ये फ्यूचर लिखना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अलग बना देता है किससे, कॉस्ट अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों पास के परफॉर्मेंस से खेलते हैं, ये फ्यूचर के लिए खेल रहा है। यानी क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कब परफॉर्म करेंगे, जब बिजनेसमैन पहले बिजनेस एक्टिविटी कर लेगा परफॉर्म, उसके बाद हिसाब किताब करेंगे। ये पहले कोई एक्टिविटी हुई नहीं होती है, होने वाली होती है उसके लिए बनता है और इसलिए फ्यूचर के लिए खेलता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन पास और प्रेजेंट से ही लेता है, लेकिन वर्क करता है फ्यूचर के लिए। समझा आपको क्लियर? देखो लिखा हुआ है, बाय टेकिंग पास्ट एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा, यानी फास्ट और पास्ट का फाइनेंशियल डाटा लेकर वो फ्यूचर के लिए जो फाइनेंस टॉप लेवल मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है वो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। आज के बाद जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन वर्क आ गया, यानी क्या होता है, डिसीजन लेना। घर में अपने दादू होते हैं, बड़े होते ना, तो डिसीजन वो लेते हैं। इन शॉर्ट ही इज एडमिनिस्ट्रेटर। कौन होगा वो? जो सबसे बड़ी बड़ी डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन की लेता है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन
बोलते हैं उस काम को, और वो पर्सन को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। समझा आपको क्लियर? और वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही होता है। पूछो क्यों? क्योंकि ही इज कैपेबल। अरे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट इसलिए आया है, कैपेबल है। नहीं समझा? नहीं समझा? अरे सिंपल है, तुमने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर चुना। क्यों चुना? क्योंकि तुमको लगा कि वो कैपेबल है। बराबर की नहीं? सही है कि नहीं? तो मतलब उसने अपने स्किल्स को उतना डेवलप किया ना कि ही इज एडमिन, यानी वो एक अच्छी रैशनल डिसीजन ले पाए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर पाए। इसलिए समझा आपको क्लियर? अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। यानी क्या? मैनेजमेंट इंडस्ट्री वाले को भी काम में आता है और मैनेजमेंट कॉमर्स वाले को भी काम में आता है। बराबर कि नहीं? तो ये इंडस्ट्री वाले को कौन सी चीज में काम में आएगा सर? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। सुन लीजिए, अब मैं आपको वो सिखा रहा हूँ आज। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज का थोड़ा 10 मिनट का पार्ट आपका रहेगा। 10 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया छोड़ देना। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग तुमको कहाँ मिलना है? सबसे हाइयर लेवल पे। जब आप हाइयर लेवल की पढ़ाई करोगे तब आपको मिलना है। डोंट वरी, यहाँ पे कुछ नहीं है तुमको। ठीक है बच्चा लोग? हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, अगर मैं बात करूँ किसकी, तो वो इंडस्ट्री वाले को कैसे हेल्प करता है। देखिए देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग बनाता है ना, क्या बनाता है, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू वो क्या निकालता है? वो निकालता है टू नो द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ माय प्रोडक्ट व्हाइल आई मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। बराबर कि नहीं? जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा तब मुझे ये बनाने का खर्चा, अगर मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है तो मेरे घर में कितने की पेन बन रही है ताकि मैं इसकी सेलिंग प्राइस तय कर पाऊं, वो मुझे निकालना थोड़ी है। लेकिन अगर कोई आपको बता दे, कब बता दे, मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले, कि सर माल मत बनाओ, माल मत बनाओ, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? बराबर कि नहीं? Why? क्यों? क्वेश्चन मार्क। भाई जैसे एग्जांपल अभी मैं पेन बना रहा हूं, ठीक है, ये पेन बनाने की मेरी फैक्ट्री है। अब मुझे बोला किसी पर्सन ने, मेरे दुकान को इवेल्युएट किया, पास का परफॉर्मेंस लिया और ये देखा कि सर पेन मत बनाओ, मेरे को बोल दिया, तो या तो मैं उसको मारूंगा, तू मेरा दुश्मन है, ऐसा है वैसा है, तू मेरा अच्छा चाहता नहीं है, या तो अगर वो मेरा शुभचिंतक होगा तो पूछूंगा भैया क्यों, मुझे रीजन दे क्यों रीजन। तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके एक्सपर्टाइजेशन उसने गेन किए, इसलिए मुझे वो रोक रहा है। अब पूछो क्यों? देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग एरिया के अंदर, यानी कहां पे, यानी इंडस्ट्री एरिया के अंदर कैसे काम करता है। उसके लिए बनता है फ्लेक्सिबल बजट। क्या बनता है? देखो एक कॉमर्स वाला अगर फाइनेंस को सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहे, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे कॉमर्स हो, उसके लिए बनता है कैश बजट। क्या बनता है? हमने देखा ना कल का कैश का इनफ्लो आउटफ्लो फ्यूचर के लिए पोजिशन, कि कहां पैसा कम पड़ रहा ताकि समय रहते हुए हम प्रोविजन कर पाए। लेकिन एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तब भी वो किससे पूछता है? तब भी वो फाइनेंशियल मैनेजर से पूछता है कि लॉट बनाऊं कि नहीं, पहले बता दे मेरे को ताकि मैं आने वाले फ्यूचर के लॉस से बच जाऊं। अब सर कैसे? पूछो कैसे? तो अब मैं आपको बता रहा हूं फ्लेक्सिबल बजट बनता कैसे है। देखो एक मिनट, रिक्वेस्ट आई है किसी की पहले मुझे। एनी इशू? ठीक है, तो मैं यहां से आपका फिलहाल मैं हैंड रेस ऑप्शन बंद कर रहा हूं ताकि आपको भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, मुझे भी नहीं हो। एट लास्ट मैं आपके डाउट सेशन क्लियर करूंगा, आप लिख के रखिए ओके, और नहीं तो चैट बॉक्स ऑन है, आप मुझे चैट में लिख सकते हो, मैं वहीं पे डाउट क्लियर करूंगा। फिलहाल हैंड रेस ऑप्शन बंद किया है। हाँ देखिए, मैं ज्यादा खर्च नहीं करूंगा क्योंकि वो आपकी एरिया है ही नहीं और वो मेरी एरिया भी नहीं है सिखाने की 11th क्लास में, लेकिन जब बात निकली है तो पूरा सीख लो। मैं बताऊं, देखिए एक मैन्युफैक्चरर जो भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो भी खर्चा आता है उसको माल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, यानी गुड्स को बनाने के लिए, वो सारे खर्चे दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। दो कैटेगरी में पहला आता है फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा आता है? हम टोटल कॉस्ट की बात करें, यानी मुझे एग्जैक्टली घर में ये सारा खर्चा मिला के कितने का बना, अगर मेरी पेन बनाने की फैक्ट्री है तो। बराबर कि नहीं? हाँ, तो जो भी टोटल कॉस्ट बनते हैं वो सारे एक्सपेंसेस और इनकम जो होते हैं एक्सपेंस सॉरी वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। दो कैटेगरियां, पहला आता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा आता है
variable cost. अब सर ये क्या है? तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार होता है एक लेवल पे जितना मैं माल बनाता हूं उस लेवल पे मेरा टोटल सेल मेरे कॉस्ट से कम हो जाता है और मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है जिसकी वजह से मैं लॉस सफर करता हूं। अब सर ये जो आप बता रहे हैं ना, आपको कुछ भी नहीं समझा, उलझी उलझी बातें मत करो, सुलझा के बताओ। अब मैं आपको सुलझा के दे रहा हूं, ध्यान दो। देखो एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान लाइदर क्या कर रहा है वहां पे तू? हाँ खैर मजे करने आ गए यहां पे तू? हाँ यहां कोई शो चल रहा है इधर? अरे शो चल रहा क्या मेरा अंकुश बाबा का? फिर खैर वहां पे लास्ट में या और तू भी कह रहे उधर कह रहे उधर आर्ग्यूमेंट नहीं करना क्लास में, बता रहा क्लियर? हाँ तो क्या हो रहा है, एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है लेकिन वो उतनी कैपेसिटी करता नहीं है माल। चलिए समझा नहीं बात। देखो एक मैन्युफैक्चरर जित मैन्युफैक्चरिंग करता है ना लास्ट में तो वो फुल कैपेसिटी में अपना माल नहीं बनाता है। पूछो क्यों? क्योंकि उतनी डिमांड नहीं होती है। देखो पूरा खेल डिमांड और सप्लाई चलता है, डिमांड और मार्केट किसी चलता है डिमांड और डिमांड। बट तुमको पता है क्या होता है, पढ़ाया था मैंने उस इसमें बिजनेस में, ओके? हाँ तो देखो क्या होता है, अब डिमांड अगर जितनी रही उतना ही कैपेसिटी में हमें माल प्रोडक्शन करना पड़ता है, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है। आपको समझा नहीं लगता एक बार? लेकिन जितना वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस लेवल पे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस कैपेसिटी में वो मैनेज कर रहा है तो एक लेवल के बाद उसका टोटल कॉस्ट उसके सेल्स से बढ़ जाता है। इन ऐसा हुआ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास बनाना है, मैं जितने का माल बेच रहा हूँ टोटल उससे ऊपर तो मेरा इसको बनाने में खर्चा आ जा रहा है। अब सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट निकलती है पर क्वांटिटी के, अब सेलिंग प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस और सेल में अंतर है। बोलो क्या अंतर है? पढ़ाया था एक आइटम हम कितने का बेच रहे हो उसको बोलते सेलिंग प्राइस, टोटल माल कितने का बेच रहे हो सेल्स। नहीं सुना? एक पेन कितने की बेच रहा हूं मैं सेलिंग प्राइस, एक महीने में कितने की पेने बेची सेल्स। समझा आपको क्लियर? द टोटल टर्नओवर इज नोन एज सेल्स एंड द प्राइस ऑफ पर कमोडिटी इज नोन एज सेलिंग प्राइस। यहां पर याद रहेगा जो मैं बता रहा हूं ये भी लिखना है, कोई सक्षम सुनने नहीं आया मेरा आपने यहां पर, और हर चीज में आपको लिखा के दूं ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो होता क्या है, जितना वो कैपेसिटी में माल बना रहा है वो फुल कैपेसिटी में माल नहीं बना रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है, और जितना परसेंट वो कैपेसिटी में माल बना रहा है उस कैपेसिटी में उसको वो माल बनाना पड़ रहा नहीं है क्योंकि दोनों कॉस्टिंग को जोड़ने के बाद मालूम पड़ता है कि उसकी टोटल कॉस्ट ज्यादा हो गई उसके सेल से। तो ऐसा हुआ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा, तो वो प्रोडक्शन उसको पुरता नहीं है इसलिए वो प्रोडक्ट बंद कर देता है। अब आए देखो आप आए दिन देखो कार कंपनियां बोलो या आप देखो मोबाइल कंपनियां बोलो अपने अपने जो हैंडसेट्स है वो बंद कर देती है। देखा है आपने हैंडसेट्स बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? क्योंकि उनकी डिमांड उतनी नहीं होती है, और अगर वो जितनी डिमांड है उस लेवल पे अगर वो बनाते माल तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है यानी जो एक्सपर्ट है जो बैठा है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की दुकान के अंदर वो उनको रोक देता है कि सर मत बनाओ क्योंकि इस कैपेसिटी में हमारा माल अगर आप बनाओगे तो आपका एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, आपकी सेल जो इनकम है वो कम है, आप लॉस में जाओगे, इसलिए कंपनी अपना मोबाइल का हैंडसेट बंद कर देती है क्योंकि उतनी डिमांड नहीं होती, और फिर नए प्रोडक्ट को डिमांड बढ़ाकर फिर वो फुल कैपेसिटी में अपना माल बनाती है। अब ऐसा क्यों होता है सर आप पूछोगे मुझसे, बराबर कि नहीं? तो एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो एक प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला खर्चा दो कैटेगरी में होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट यानी क्या होता है, जितना भी मैं माल बनाऊं जितना भी मैं कैपेसिटी में माल बनाऊं चाहे वो कैपेसिटी कम हो या बड़ा हो वो कॉन्स्टेंट रहता है। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर मैं कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं तो मेरा खर्चा बढ़ेगा और मेरा कैपेसिटी कम हुआ तो मेरा खर्चा भी कम हुआ। जैसे एग्जांपल दूं क्या? नहीं दूं एग्जांपल?
एकदम शॉर्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज्यादा अपन कॉम्प्लेक्स वाला काम नहीं करते। देखो सपोज फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मैं एक मोबाइल कंपनी वाला मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी एक दिन में 1000 मोबाइल बनाने की कैपेसिटी है। ये क्या है मेरी फुल कैपेसिटी, क्या है ये मेरी? तो ये फुल कैपेसिटी जो है ये हजार एक दिन में मैं अपनी मोबाइल बना सकता हूँ, ये मेरी फुल कैपेसिटी है, मानते हो कि नहीं? हाँ, जब मैं एक महीने की बात कर रहा हूँ, एक महीने में 1000 मोबाइल बनाने की मेरी फुल कैपेसिटी है। सबको समझ में आ रहा है पक्का? अब हुआ क्या, अब 100% इज इक्वल्स टू 1000 मोबाइल फोन्स, मानते हो कि नहीं? अब मैंने क्या लिखा सर, ये सर आपने लिखा क्या, समझा नहीं बात को। मैंने बोला अगर मेरी एक महीने का, मैं एक महीने का एवोल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक महीने के अंदर मेरी मोबाइल की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री वाला हूँ मैं, एक महीने के अंदर मेरी फुल कैपेसिटी, अगर मैं फुल कैपेसिटी में माल बनाऊँ तो मेरी एक महीने में 1000 मोबाइल मैं बना के बेच सकता हूँ, ये मेरी फुल कैपेसिटी। और फुल कैपेसिटी परसेंटेज बात करूँ तो कितना होता है, 100। अरे 100 से ऊपर परसेंट होते क्या? ए दिशान इधर देख रहे, बराबर कि नहीं, मानते हो कि नहीं? तो अगर 100% मेरी फुल कैपेसिटी है 1000 मोबाइल की, तो मैं इतनी मोबाइल बनाऊंगा क्या? क्वेश्चन आता है, नहीं। पूछो क्यों? डिमांड रही तो बनाऊंगा, नहीं रही तो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, मोबाइल बना के अगर बिकी नहीं तो उसका ट्रेंड चलेगा, डेड स्टॉक हो गया तो बिकेगी वैसे भी नहीं मेरी, बराबर कि नहीं? और अगर कोई चीज अगर खराब होने वाली चीज नहीं है तो ट्रेंड चलता है, और जो खराब होती है वो एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायर। तो वो फुल कैपेसिटी में अपना माल बनाती नहीं है कंपनी। समझ में आ रहा है पक्का? अच्छे से पक्का, अच्छे से। अब सपोज मेरे को रिसर्च डिपार्टमेंट से, रिसर्च डिपार्टमेंट कौन होता है जो मार्केट को इवेल्यूएट करता है, रिसर्च डिपार्टमेंट कौन होता है? तो रिसर्च डिपार्टमेंट वाला हेड आया, मतलब सर हमारी एक महीने में 600 मोबाइल बनाने बेचने की कैपेसिटी है, यानी हमारी डिमांड 600 की है। अब बताओ अगर 600 की डिमांड बोली तो मैं मैन्युफैक्चरर को कितने का माल बनवाऊंगा, बताओ? अरे बोलो ना लायको, 300 का। 300 क्यों? अगर फुल कैपेसिटी मेरी 1000 की है और मैं 600 डिमांड है 600 की मोबाइल की बिकने की मेरी, तो मैं माल कितना बनाऊंगा? 600 मोबाइल का ही। फिर मैंने उसको पकड़ा दी थी, वो रिसर्च डिपार्टमेंट वाले को यही तो पकड़ा दिया कि जाओ मार्केट में देख क्या कितना हमारी डिमांड है, कितनी हमारी, क्योंकि मैं माल उस तक बनाऊँ ताकि वेस्टेज ना जाए, बराबर कि नहीं? तो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को बुलाया, इधर आ रहे, मैंने ये देख क्या बोल रहा है, 600 मोबाइल बना। तो वो प्रोडक्शन वाला बोलता, बनाऊँ सर, शुरू करूँ, माल ऑर्डर दे दूँ? मैं रुक जा, मतलब मैनेजर, वो फाइनेंस मैनेजर को बुला, वो फाइनेंस मैनेजर को बुलाया, मिला 600 मोबाइल बनाने का हमको आया हुआ है डिमांड, यानी 600 मोबाइल हम एक महीने बना के बेच सकते हैं, तो क्या वो कैपेसिटी में हमारा माल बनाना पड़ता कि नहीं पड़ता? पड़ता कि नहीं पड़ता, वो देख रहा है। तो बोला ठीक है सर, मेरे को आधा एक घंटा दो, मैं बजट बनाऊँ, पहले बजट बना के देखता हूँ कि आपकी 60% कैपेसिटी में आपका माल बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उसने बोला, उसने आधे घंटे में आया, बोला सर रिजेक्ट करो ये लॉट, बनाओ ही मत। बोला क्यों भाई? बोला सर 60% में आपकी टोटल कॉस्ट आपकी सेल्स अमाउंट से बड़ी हुई है। अब सर 60% कहाँ से आया, क्वेश्चन आएगा आपके मन में, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर 1000 मोबाइल 100% कैपेसिटी है तो 600 मोबाइल फोन्स कितना परसेंट होंगी? तो परसेंटेज बात को, तो यानी मार्केट वाला बोल रहा, रिसर्च वाला बोल रहा कि 60% में अपना माल बनाओ। अब मेरी एक महीने की कैपेसिटी कितनी, 1000, लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी उतनी डिमांड नहीं है, मान रहे हो कि नहीं? तो मैं 60% में अगर माल बनाता हूँ तो मुझे वो बजट बना के देता है जहाँ पे 60%, 70%, 80% और 90%, 4% में उसने हमको बजट बना के दिया, जिसमें उसने बताया कि सर देखिए आपकी 60% में फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट 600 मोबाइल के ऊपर, वो आ रही है
सपोज एक मिनट रुको, हाँ समझना पड़ेगा मेरे को पहले पहले सेलिंग प्राइस कितनी रखूँ एक मोबाइल की। सपोज एक मोबाइल की सेलिंग प्राइस अपन रखते हैं यहाँ पे 5,000 रुपये, कितना रख रहा हूँ एक अज्यूम करो एक मोबाइल 5,000 की बेच रहे हैं हम, और सेलिंग प्राइस हमारे हाथ में होता है क्या? मैंने आपको बताया सेलिंग प्राइस मार्केट तय करता है, हाँ तो आप अपने मन मुताबिक कितना भी सेलिंग प्राइस रख सकते नहीं हो। हाँ तो एक मोबाइल अगर 5,000 की है, ठीक है, तो मेरे को उसने बोला कि सर देखो 60% में अगर आप माल बना रहे हो तो पर मोबाइल, किस मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर मोबाइल महीने का खर्चा आ रहा है आपको, सपोज यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आ रहा है, यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे आ रहा है फिक्स कॉस्ट पर मोबाइल का एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा गणित करूँ ना, ऐसा कर रुक रहे बाबा 3,500 1,500, हाँ ठीक है 3,500 रुपये क्या आ रहा है 3,500 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट खर्चा आ रहा है 2,000 रुपये, क्या आ रहा है पर मोबाइल, पर मोबाइल कितना हो गया टोटल कॉस्ट आ गया 5,500 रुपये, 5,500 रुपये यह आ गया पर मोबाइल के ऊपर खर्चा आपको अगर आप 7% में माल बना रहे हो तो, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, तो क्या हुआ खाया पिया कुछ नहीं ग्लास थोड़ा, यानी हर मोबाइल के ऊपर मुझे 500 का घाटा पड़ रहा, तो मुझे इतने परसेंट में मेरा माल बनाना पड़ रहा नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं 60% में गया तो 60-70% में गया तो 70% में यही 3,500 रुपये मेरा खर्चा डिवाइड होकर फिक्स कॉस्ट हमेशा आएगा। सुनो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सुनो मेरी बात फिक्स कॉस्ट यानी क्या होता है, फिक्स कॉस्ट समझने मेरी बात, फिक्स कॉस्ट ऐसा खर्चा होता है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से कम होने से वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन पर यूनिट अफेक्ट करता है, पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट यानी ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने से और कम होने से वो बढ़ता है और कम होता है, लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट होता है, पर यूनिट। अब सर ये बात जो आप बता रहे हो हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो आ जाएगा, आज यहां से जाओगे तो ठीक है, पहले एक पिक्चर सुन लो। अब उसने बोला कि सर 3,500 रुपये यहां पे लगा, लेकिन सर जैसे ही मैं 70% माल बना रहा हूं तो हमारा वो कॉन्स्टेंट खर्चा टोटल खर्चा कॉन्स्टेंट होने की वजह से कि पर यूनिट हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा हमारा पर यूनिट का खर्चा कम हो जा रहा, क्या हो जा रहा कम, तो वो अभी ये 3,500 का यहाँ पे मालूम पड़ा हमको यहाँ पे सर 3,000 रुपये आ रहा, कितना आ रहा, और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2,000 ही आ रहा, तो ऐसे मिलाकर 5,000 रुपये हमको एक मोबाइल घर में बन रही पढ़ाने मतलब बनाने की, यानी कितना अगर मैं 600 माल बनाऊंगा तो 60% है, अगर मैं 700 यूनिट बनाऊंगा तो 70% है, अगर 800 यूनिट बनाऊंगा तो 80% है, और 900 यूनिट बनाऊंगा तो, क्योंकि 100% 1,000 यूनिट है तो इस हिसाब से ये इतने यूनिट इसके हिसाब से होते हैं, सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है मार्केट सेलिंग प्राइस कितनी अपनी, बोला 5,000 रुपये, मैंने 70% कम से कम बनाओ तो पुरता मुद्दल है क्या है अपना, लेकिन आप 80% अगर माल बना रहे हो 80% ही मोबाइल बना रहे हो तो 80% में क्या हो रहा है, सुनो यहाँ पे ध्यान दो, 2,500 रुपये ये मोबाइल आपकी फिक्स कॉस्ट ले रही है और 2,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट ले रही है, ऐसे मिला के आपकी टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 4,500 रुपये आ रही है, आपको 5,000 रुपये ने पर यूनिट 5,500 रुपये बचते पुरता ये बनाओ, और 90% में तो माशाल्लाह ऐसे बोलते ना कुछ, तो मेरे को नहीं आती उर्दू सॉरी, हाँ और अगर आपने 90% में माल बनाया तो आपका आपका सीधा सीधा 1,000 रुपये पर पीस पे बच रहा है, और इस तरीके से सुनो अभी तक मैंने माल बनाया ही नहीं और उसने मुझे कैपेसिटी में गिनवा दिया कि कौन सी कैपेसिटी में मेरा माल बनाना पड़ता कि नहीं, तो मैंने मैंने क्या किया, मैंने रुक गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रुक जा फिलहाल, मैंने मार्केट और रिसर्च वाले डिपार्टमेंट को बुलाया, सेल्स वाले को बुलाया, दोनों उधर नालायक को मिला, 60% ने माल बोल रहे हो 60% डिमांड कर रखी है मेरे प्रोडक्ट की, नालायक को ये 60% में खाया पिया कुछ नहीं ग्लास वगैरह बारह ना हो रहा है यहाँ पे तो सही कि नहीं, अरे घर में पड़ रही 5,500 की और बेच रहा कितने कम है, और सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता नहीं पूछो क्यों, क्योंकि मार्केट तय करता है, अगर मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो वैसे भी नहीं बिकनी है, वो 60% अपने आप 50 हो जाएंगे,
पूछो क्यों, क्योंकि मेरे से कंप्यूटर बैठे हैं ना, तो कस्टमर को मेरे से 5000 की उबल मिल रही, तो ऐसे मेरे जैसे और भी लोग हैं जो 5000 में मेरे से जतरा दे रहे, जतरा है ना अच्छे फंक्शन दे रहे मोबाइल में, तो इसलिए मैं अपनी मन मुताबिक अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता नहीं हूँ। लेकिन मैं आने वाले लॉसेस को रोक सकता हूँ कैसे, देखो अगर मैं 60% में माल बनाने का ऑर्डर दे देता था तो आज मुझे पर मोबाइल कितना लॉस हुआ, तो 600 मोबाइल मैंने बना दिया महीने के अंदर, तो 600 × 500 करके तो कितना आ रहा, 600 × 500 कितना होता, 30, 1, 2, 3, 4, 3 लाख, 3 लाख का गाला आता था, बचा दिया। अब बताओ उसको 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये देना पड़ता ना महीने का, क्योंकि उसने मेरे को फ्यूचर का प्रेडिक्शन करके दे दिया कि मत करो, मत बनाओ माल। अरे आ रहा समझ में नालायक हो, हाँ। तो ऐसे क्या सीखा आपने कि एक मैन्युफैक्चरर की कैपेसिटी ज्यादा होती है बनाने के, लेकिन वो फुल कैपेसिटी में अपना माल बनाता नहीं है, और वो जितनी डिमांड रही उतने कैपेसिटी में माल बनाने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो पहले देखता है कि मुझे उस कैपेसिटी में माल बनाना पड़ रहा कि नहीं, और यही काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी एक प्रकार का बजट है जो मैन्युफैक्चरर के लिए बनता है, इसको फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, अब एकदम शॉर्टली बताया तुमको, आगे बहुत डिटेल में, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है एक्चुअली, ये 10 मिनट वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ऊपरी ऊपरी तुमको बता दिया। अब सुन लीजिए सर, ये आपने वेरिएबल कॉस्ट पर मोबाइल पे तो कॉन्स्टेंट रखा है, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट क्यों चेंज करते गए, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या होता है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। पहले इन दोनों का मतलब देते हैं और फिर फाइनली मैं ये एरिया छोड़ दूंगा, कि ये एरिया मेरे काम की नहीं है, मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिखाने आया हूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही सिखाऊंगा। समझा के क्लियर, हाँ। चलो अब यहाँ पे दो मिनट ध्यान दो, इधर देख रहे भाई, एक मिनट बेटा, वो बारिश की वजह से पूरा इम्बेलेंस हो गया काम आज, और मेरा पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया। तो फिर मेरे अब क्या होगा, इफ आई एम मैन्युफैक्चरर आई हैव टू ऑप्शंस, मैं सेल्स मैनेजर को बुलाऊंगा, बोलूंगा ए सेल्स मैनेजर देखो मैंने पगार लगा दिए, मेरा डिमांड बढ़ा ना, तेरे पास एड एजेंसी तेरे अंडर में दिए मैंने, तो उनको बोलना कटरीना से नहीं बन रहा तो ऋतिक रोशन को हायर कर, लेकिन मेरा माल बना के बढ़ा के दे मेरा डिमांड, सही कि नहीं। हाँ बॉयज के लिए कटरीना से बनेगा, लेकिन गर्ल्स के लिए ऋतिक रोशन चाहिए, है ना, कि रणबीर कपूर चाहिए। चलो ठीक है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट वो बोलते ना कुछ तो भी, हाँ इधर देखो भाई इधर मुद्दे की बात करो, हम लोग प्लीज अपने मुद्दे से मत भटको। हाँ तो क्या हुआ बेटा सुनो, आई हैव टू ऑप्शन, जिस कैपेसिटी डिमांड में है उस कैपेसिटी में मैं माल यहाँ तो बनाऊंगा, कब मेरी डिमांड बढ़ाओ क्या करूँगा मार्केट मेरी, या तो अगर डिमांड नहीं बढ़ रही है तो भैया भैया एक काम कर प्रोडक्ट बंद करो और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। अब नए प्रोडक्ट ज्यादा क्या है, देखो क्या होता है अंदर का मटेरियल तो वही लगता है ना, अरे सिंपल है, देखो जितना भी रॉ लगता है मोबाइल वाली कंपनियों को वो सेम लगता है, क्या लगता है, सब थोड़े फंक्शन इधर उधर करते और ऊपर की बॉडी चेंज कर लेते, हो गया खत्म। अरे कैमरा अब बताओ जो रॉ उसने परचेस किया कैमरे के लिए वो तो वही लगता ना, उसमें सब लेंसेज चेंज कर देगा, वो तो लेंस डाल दिया कि 20 मेगापिक्सल 50 हो गया, क्या हो गया 50 बस, और क्या हुआ, तो इन शॉर्ट इन्हें क्या हुआ कुछ ना कुछ हेयर बदल करके मेरे को अपने डिमांड बढ़ाओ, इसलिए आए दिन देखो कंपनियां अपनी मोबाइल फोन बंद करके नए नए फोन लाती है, क्योंकि उतनी डिमांड में उतनी परसेंट जितनी उनकी डिमांड है उतने परसेंट डिमांड में उनको वो माल बनाना पड़ता नहीं है, और इसलिए वो डिमांड नए तरीके से बढ़ाकर बना सकती है अपने प्रोडक्ट का, इसलिए वो ओप्पो 150 माइनस करके ओप्पो 220 डालती है, ऐसे कुछ तो भी नए नए मॉडल लगती है, सिंपल भाषा समझा आपको क्लियर। और ये सब किसका करामत है, वो फाइनेंस मैनेजर का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म देता है ताकि वो आने वाले फ्यूचर को रोक सकता है, क्या कहता है रोक। अब आते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट हो रहा है नहीं ना, हाँ समझ में आ रहा ना पिक्चर, गौर से सुनोगे समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा, हाँ देखो इधर। अब बच्चा लोग मैं बात करता हूँ कि ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, देखो सुनो, ट्यूशन क्लास इज बिलोंग्स टू टर्शियरी इंडस्ट्री, मानते हो कि नहीं,
ट्यूशन क्लास इज बिलोंग्स टू टर्शियरी इंडस्ट्री बिकॉज टीचिंग भी टर्शियरी इंडस्ट्री में आती है, लेकिन वैसे मैं प्रोफेशन में हूँ, ये दो नजरिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टर्शियरी चला रहा हूँ, और अगर मैं एकदम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड खेलूँ तो आई एम अ प्रोफेशनल, कौन हूँ मैं जो प्रोफेशन एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो ये दो अलग अलग व्यू है, क्या है ये व्यू देखने के। तो बिजनेस के अंदर मैं टर्शियरी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, टर्शियरी इंडस्ट्री भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, इंडस्ट्री का ही पार्ट है, बराबर कि नहीं। अब एक ट्यूशन क्लास जब मैं कोई ट्यूशन टीचर चलाता है तो उसको भी दो कॉस्टिंग में खर्चा आता है। पहला आता है फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या मैंने बताया आपको, फिक्स कॉस्ट यानी ऐसा खर्चा अगर मैं कैपेसिटी बढ़ाऊं या कम करूं वो कॉन्स्टेंट होता है। एग्जाम्पल दू, सपोज ट्यूशन क्लास का मैं, सपोज ये ट्यूशन क्लास जो है मेरी क्लासेस, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सब रेंट पे क्या है मेरी, और मैं नई नई ट्यूशन क्लास शुरू किया। अब नई नई ट्यूशन क्लास शुरू किया, ये क्लास मेरी रेंट पे, और रेंट लैंडलॉर्ड जो है यानी मालक, वो मुझसे महीने का 10,000 रुपये ले रहा है भाड़ा, रेंट। अब रेंट इज माई एक्सपेंस, मानते हो कि नहीं, इट इज माई फिक्स कॉस्ट। वाई इट इज माई फिक्स कॉस्ट, क्योंकि अगर मैं सपोज 10,000 रुपये रेंट लैंडलॉर्ड वाले को दूं और मेरे पास एक ही बच्चा आ रहा है, एक ही वन स्टूडेंट, ओनली वन स्टूडेंट आ रहा है सपोज, तो बताओ मैं क्या कहूंगा कि एक बच्चे के ऊपर मुझे रेंट कितना भरना पड़ रहा है, 10,000 रुपये। लेकिन मान लो मेरी क्लास चल पड़ी, और क्लास चल पड़ी तो अब यही मेरे पास हो गए कम से कम 200 बच्चे। कितने हो गए, तो बताओ तब भी लैंडलॉर्ड मुझसे रेंट कितना मांगेगा। अब वो मुझे बोल सकता कि बच्चे बढ़ गए रेंट रख दे, भाई क्या है ये, आंखों में था क्या मैं तुम्हारे, हाँ सही कि नहीं। अरे भाई तू अपना रेंट ले, मैं एक बिठाऊं बच्चे या 200 बिठाऊं, मेरी मर्जी, तू महीने का रेंट ले, अपना काम का खत्म विषय। अब बताओ तब भी मेरा टोटल एक्सपेंस जो है वो सेम रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पर बच्चे की मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो जब मैं एक बच्चा था उसके ऊपर मुझे अगर 10,000 रुपये रेंट भरना पड़ा था, तो एक बच्चे के ऊपर मुझे 10,000 रुपये लग रहा था खर्चा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 200 बच्चे आ गए तब भी मुझे रेंट 10,000 रुपये लग रहा है, लेकिन अब जब मैं उसको कैलकुलेट करूंगा तो पर बच्चे के ऊपर मुझे रेंट लग रहा है कितना, ओनली 100 रुपये। कितना लग रहा है, अबे 100 कैसे आया नालायक को, 50 होगा ना, कितने होंगे, अरे नहीं समझा, डिवाइड कर दो ना, 10,000 रुपये डिवाइड 200, 10,000 रुपये डिवाइड करो 200 से, कितना आएगा, 50 आएगा ना, और नालायक को कितना आएगा, तो यानी क्या कहूंगा मैं, यानी क्या हुआ बताओ, क्या हुआ कि अगर मैं एक बच्चे को पढ़ रहा हूँ और 10,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, तो एक बच्चे के ऊपर खर्चा गया 10,000 रुपये, लेकिन जैसे ही मेरे पास 200 बच्चे आ गए तब भी मैं कितना भरूंगा, लेकिन मेरा पर बच्चे के ऊपर क्या हुआ, रेंट कम हो गया, वो 10,000 से कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। यानी क्या सीखा, इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं, यानी क्या हुआ, टोटल आउटपुट बढ़ने से, क्वांटिटी बढ़ने से या कम होने से, तो मेरे यूनिट नो क्या, तो मेरे है ना, यहाँ प्रोडक्शन यूनिट तुम हो ना मेरे, अब प्रोडक्शन यूनिट बढ़ने से कम होने से वो टोटल खर्चा कॉन्स्टेंट है, क्या है वो, लेकिन पर यूनिट अफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको समझ रहा है। तो ये क्लास को चलाने के लिए भी कुछ फिक्स खर्चे आते हैं, फिक्स कॉस्ट, लेकिन सिर्फ फिक्स कॉस्ट सफिशिएंट नहीं है, दूसरा खर्चा आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब आज के बाद मुझसे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पूछोगे कि बच्चा लोग, नहीं पूछोगे, पक्का प्रॉमिस, ओके। अब ट्यूशन क्लास के अंदर वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, सपोज तुम्हारी नोट्स का खर्चा, नोट्स का, अब मैं जेरोक्स वाले के पास गया और एक बुक, एक बच्चे के ऊपर मेरे को 200 रुपये का नोट्स का खर्चा आ रहा है पर स्टूडेंट। अब बताओ जब मैंने ट्यूशन क्लास शुरू की तो मेरे पास एक ही बच्चा था, एक ही बच्चा था, तो बताओ मेरा टोटल खर्चा कितना नोट्स के ऊपर, क्यों भाई, वेरी गुड, तो मेरा टोटल खर्चा भी 200 रुपये आया। लेकिन क्या हुआ, ट्यूशन क्लास चल पड़ी और अब मुझे फिर भी ट्यूशन क्लास चलने के बाद भी पर स्टूडेंट्स के ऊपर मुझे 200 रुपये ही खर्चा आ रहा है, लेकिन अब मैं अगर एक, पहले मैं एक बच्चे के लिए नोट्स बना रहा था, अब मेरे को 200
बच्चों के लिए नोट्स 200 रुपए के, हाँ ना, हाँ 200 बच्चों के ऊपर मुझे नोट्स बनानी पड़ेगी, तो मेरा टोटल खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया कम हुआ, बढ़ेगा कम हुआ, बढ़ेगा कि नहीं, कितना हो गया, 2 to the 4, 1, 2, 3, 4, ये है वेरिएबल खर्चा। क्या है मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया तो खर्चा बढ़ेगा, कम हुआ तो खर्चा भी, लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट था, पर स्टूडेंट कांस्टेंट था। देखो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट टोटल कांस्टेंट होता है लेकिन पर यूनिट फ्लक्चुएट हो रहा। देखो यहां पे देखो ना, ये क्या है, पर यूनिट की बात करूं तो फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे वेरिएबल खर्चा ऐसा होता है जो पर यूनिट कांस्टेंट होता है। देखो क्या है, लेकिन टोटल क्वांटिटी बढ़ने से कम होने से ये चेंज होता रहता है, इट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। अब ऊपर जो मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया बच्चा लोग, उसमें कांस्टेंट कौन सा था, वेरिएबल की फिक्स, क्यों 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 सर, आपने बोला फिक्स वेरिएबल कॉस्ट तो बदलता रहता है, आपने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, क्या रखा है आपने, तो यहाँ पे मैंने पर मोबाइल का हिसाब किया, इसलिए अगर मैं टोटल लेता टोटल मोबाइल्स का तो मैं ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज करता, टोटल चेंज नहीं करता था, टोटल में कॉन्स्टेंट होता था, लेकिन मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँ तो वो टोटल में बढ़ने से कम होने से वो चेंज होता था, लेकिन पर यूनिट में उल्टा है, पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट चेंज होता है डिवाइड करने के बाद, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट होता है। समझ में आया क्या, क्लियर आपको, अरे आ रहा क्या, देखो पर मोबाइल लिख के दिया हूँ इसलिए यहाँ पे, तो आज के बाद वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्या हो समझा आपको, तो इसलिए सर अगर रेंट भर रहे महीने का तो महीने का जो रेंट है वो कौन सा खर्चा आएगा, फिक्स कॉस्ट, और अगर सर नोट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो वो कौन सा खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट। में पर यूनिट सेम होता है, क्या होता है सेम, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी तो बढ़ेगा, कम हुई तो। अब बताओ बिजनेस के अंदर जो सॉरी मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, रॉ मटेरियल वो कौन सा खर्चा है, फिक्स की वेरिएबल, रॉ मटेरियल कच्चा माल लगा था ना, अरे मोबाइल क्या फ्री में बन रही, क्या भगवान ने दिया क्या, इसके अंदर कच्चा माल लगेगा ना, प्लास्टिक ये वो वायरे वायरे, वेरिएबल कॉस्ट है पक्का, पूछो क्यों, क्योंकि एक मोबाइल क्यों, अगर एक मोबाइल बनाई तो खर्चा कमाएगा और 100 मोबाइल बनाए तो खर्चा आएगा टोटल, लेकिन पर यूनिट सेम रहेगा, क्या रहेगा, समझा आपको क्लियर। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री का रेंट भर रहा हूँ, फैक्ट्री का रेंट, तो वो खर्चा किसमें आएगा, क्योंकि मैं फैक्ट्री के अंदर एक मोबाइल बनाऊँ तो भी उतना ही खर्चा आएगा और 100 मोबाइल बनाऊँ तो भी खर्चा उतना ही, समझा आपको क्लियर। लेकिन मैं डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट वो चेंज हो जाएगा, अरे समझ में आ रहा क्या, पिक्चर समझाया अभी तुमको मैंने, अब नहीं आया तो क्या करना, यू कैन डिमांड द सेशन ऑफ टुडे सेशन एंड आराम से ईयरफोन लगा के सुन लेंगे तो अच्छे से और समझेगा, ठीक है ना मानवी, हाँ चलो गॉट इट, सीखा आपने। तो ये भी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग कारनामा करता है, आने वाले फ्यूचर के लॉसेस से बचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बाजू करो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, पूछो क्यों, हमारा काम ही नहीं है उसका, हमारा काम क्या है, तो आज अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते हैं। ध्यान दो बच्चा लोग इधर, ए आवाज नहीं करने का, मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज इस बार, मेरे टीम ने मुझे एक ही चैलेंज किया कि सर जितने कम डाटा सॉरी जितना कम कंप्रेसिव वीडियोज बनाकर आप ज्यादा रटा दोगे उतना अच्छा, तो इसलिए हम लोग अभी इस बार फालतू की बातें करने नहीं है, मेरे को इस बार मेरे को फालतू की बातें करने चाहिए, जो क्वेश्चन है मुद्दे की बात करो, नहीं ना बताओ डबल बताऊंगा, लेकिन समझ गया तो आगे बढ़ो, रुकेंगे नहीं आगे, क्लियर पिक्चर। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग, देखो इधर, अब हम आते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, तो वापस आओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांच है जो हमको पढ़ना है 11th 12th में। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर लुका ने हमको डबल एंट्री सिस्टम से क्या कराया बच्चा लोग, बोलो ना लायको, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बराबर कि नहीं, तो लुका कौन था आपने देख लिया, और पुराना सिस्टम कौन सा था समझा, हिसाब किताब कैसे होता है आज डबल, हाँ बोलिए, साइमल्टेनियस यानी क्या होता है, तो
ओनली बुक कीपिंग होगी, अकाउंटेंसी नहीं, नहीं अकाउंटेंसी बाद में होगी। मुझे क्यों? बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटेंसी स्टार्ट, दैट्स व्हाई। सो यू कैन परफॉर्म अ बुक कीपिंग ओनली विद साइमल्टेनियसली योर बिजनेस एक्टिविटीज। बट ये भी एक पास्ट होगा, मुझे क्यों भाई? आप यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हो, ये हो गई, उसके बाद ही परफॉर्म करोगे ना, तो एक मिनट भी तो पास्ट हो गया। देखो पास्ट पास्ट होता है, एक मिनट हो या एक घंटा हो। तो इसलिए मोस्टली ऐसा काउंट होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वर्क फॉर पास्ट परफॉर्मेंस ओनली। समझ आपको क्लियर? बैठिए। यस, और कुछ क्वेश्चन है आपका? हाँ शुरू करूं? चलिए। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री सिस्टम में हमको लूका ने अकाउंटिंग कराई है और उसने एक स्टेटमेंट दिया है। अब वो स्टेटमेंट को आज हम यहां पर समझेंगे। लुका ने बताया कि अगर तुमको मेरे सिस्टम से बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी करनी है, क्या करनी है, तो मेरी मेरे मेरे सिस्टम से एक स्टेप में अकाउंटिंग नहीं होने वाली है। तो उसने हमको एक स्टेटमेंट दिया, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। क्या नाम दिया? अब वो प्रोसेस क्या है, आज का सेशन उसी के नाम पे लिखो, हेडिंग दो, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। किसके अकाउंटिंग? न कॉस्ट न मैनेजमेंट। अब 11 से क्या पढ़ोगे आज के बाद? लेकिन मैंने आपको कॉस्ट और मैनेजमेंट के दर्शन करा दिए है ना, क्या होता है, यानी फ्यूचर में जो भी कुछ सर आएगा तुमको, फ्यूचर वाला सर, तो उसको बता देना कि सर मैंने पढ़ा हुआ है कुछ तो भी ऐसा, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी लुका ने बोला कि अगर तुमको मेरे अकाउंटिंग, मेरे हिसाब से बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी करना है, तो मेरी अकाउंटिंग एक स्टेप में परफॉर्म नहीं होगी, उसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने का प्रोसेस हम कब यूज करते बताओ? प्रोसेस वर्ड हम कब यूज करते हैं नालायको? जब कोई काम हम स्टेप बाय स्टेप करते हो, याद है आपको? तो इसलिए यहां पे लुका ने बताया कि अगर आप, आज पूरी दुनिया इसके सिस्टम चलती है, आज पान ठेले वाले से अंबानी, ट्रम्प, ट्रम्प मालूम कौन है, बड़ा बिजनेसमैन है वो भी, हाँ वो भी आज अगर अकाउंटिंग करेगा, हिसाब किताब करेगा बिजनेस का, तो इसी के ही सिस्टम से करेगा। और मैं आपको बोल दूं फाइनेंस अकाउंटिंग सब यूज करते हैं, सब, इंडस्ट्री वाला भी और कॉमर्स वाला भी, क्लियर पिक्चर? इसलिए इसका स्कोप ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो हमको पढ़ना है भी। तो लुका ने हमको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, अगर मेरी अकाउंटिंग से परफॉर्म करना है, तो मेरी अकाउंटिंग के अंदर चार स्टेप्स है जो आपको परफॉर्म करना है, चार स्टेप्स। और वो चार स्टेप कौन सी है वो पूछा, हम लिखेंगे। तो हमने फिर लुका से पूछा, लुका अगर हमने तेरी चार स्टेप्स में ये हिसाब किताब हमने कर लिया, तूने जो बताया, तो हमने फिर कौन सा एरिया का खत्म किया, बुक कीपिंग की अकाउंटेंसी? तो लुका ने बोला दोनों हो जाएंगी। लुका ने क्या बोला? तो हमने लुका से पूछा, लुका कौन सी स्टेप फिर हम किसमें लाए? तो वो हमको लुका ने बताया हुआ है, लेकिन मैं जिक्र करूंगा आगे, लेकिन अभी मैं आपका वो चार स्टेप कौन सी है डबल एंट्री सिस्टम की, मैं आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, जो हर व्यापारी अपने अकाउंटिंग को, अपने बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग परफॉर्म करता है आज की तारीख में। समझा बच्चे लोग? ऐसा कोई एरिया है क्या छूट रहा है? जो एक छोटी एरिया भी अगर रही ना, बता देना बिल्कुल, क्योंकि छोटा सा घाव वो इतना बड़ा बन जाएगा कि तुम्हारा पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देगा, 11 12 पूरा करियर बदल जाएगा तुम्हारा। इसलिए बोल रहा हूं यहां पे ये एरिया में नजर हटी दुर्घटना घटी। इतनी बारिश में भी तुम्हारा एक दिन मैंने ब्रेक क्यों नहीं दिया, सोचो? क्योंकि रीजन है, डिस्ट्रैक्शन हुआ यहां पे, गैप लगी एक बार भी तो पूरी लिंक जाती थी। और इसलिए आप देखो मैंने 12 को भेजा पीछे, लेकिन तुम्हारा रुकाया नहीं मैंने, ध्यान उधर। अब दो मिनट ध्यान दो, चलो अब अकाउंटिंग कौन सी प्रोसेस में आती है देखो उधर। तो लुका ने बताया कि अगर तुमको अगर बच्चा लोग बताओ क्या, तुमको अगर मेरी अकाउंटिंग करनी है, क्या करनी है बोलो, मनाला को यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग शुरू करनी है, तो मेरी फर्स्ट स्टेप का नाम है जर्नल एंट्री। क्या नाम है? सेकेंड स्टेप जो है उसका नाम है लेजर पोस्टिंग। अभी सबका मतलब क्या है सब बताएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं, आज से हम वही शुरू कर रहे हैं।
तीसरी स्टेप का नाम है ट्रायल बैलेंस, और चौथी स्टेप का नाम है फाइनल अकाउंट। हैंडराइटिंग नहीं समझ आई तो पूछ लेने का बचा रहा। LEDGER डी साइलेंट होता है यहां पे, इसको लेजर पोस्टिंग बोलते, क्या बोलते बच्चे लोग, और फिर ट्रायल बैलेंस एंड लास्ट इज फाइनल अकाउंट। लुका ने बताया कि अगर तुमको चाहे दुकान छोटी हो चाहे बड़ी हो, इंडस्ट्री हो कॉमर्स हो, बिजनेस का रिजल्ट जानना है तो एक स्टेप में मात्र तुम एक स्टेप में रह के तुम अपने बिजनेस को इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। मेरे अकाउंट सिस्टम से आपको अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है तो चार सिस्टम को व्यापारी को अपनी अकाउंटिंग बिजनेस की करनी पड़ेगी, तब जाके वो सक्षम होगा अपने बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए। और इसलिए लुका ने पहली स्टेटमेंट दी, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ जर्नल एंट्री, प्रोसेस ऑफ लेजर पोस्टिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रोसेस ऑफ फाइनल अकाउंट। अब लुका से पूछा कि लुका इसमें कौन सी सिस्टम बुककीपिंग में आएंगी, अकाउंटेंसी में आएंगी, बराबर कि नहीं? तो लुका ने बोला बताया हमको, और मैं तुमको बताऊंगा जब मैं तुमको इन चारों का मतलब बता दूंगा। जैसे ही मैं तुमको इन चारों का मतलब बता दिया, सुन लीजिए, चारों का मतलब बता दिया, ए चारों का मतलब बता दिया, सुनो, वैसे ही तुमको समझ जाएगा कौन सी स्टेप बुककीपिंग में आएंगी और कौन सी स्टेप अकाउंट। तो सर क्या हमारे पापा लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, जो हमारा अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है तो वो भी इसी तरीके से करता है? यस, वो भी इसी पैटर्न में करता है। अब वो कैसा है क्या है तो हम पहले देखेंगे। अब लुका ने एक और बताया, लुका ने बोला माय अकाउंटिंग इज अ बिजनेस साइकिल प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल प्रोसेस। तो लुका से पूछा, लुका ये क्या बोल रहा तू, सही है कि नहीं, है ना, आप क्या बोल रहे हैं, ये इज्जत दो भाई। हाँ भैया बराबर कि नील भाई, आपने बोला अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, तो हमने मान लिया कि अकाउंटिंग चार स्टेप परफॉर्म होगी, यानी आज के बाद अगर तुम अपने दुकान की अकाउंटिंग करोगे तो कितने स्टेप में परफॉर्म करनी पड़ेगी, चार। लेकिन उसने एक बात बोली कवर करने के लिए कि माय अकाउंटिंग इज अ अकाउंटिंग साइकिल, तो हमने बोला ये क्या तू क्या बोल रहा है, साइकिल है ना, चला साइकिल चलाए, यानी हमको साइकिल खरीदनी पड़ेगी क्या, तो बोलना क्या चाहते हैं भाई तुम लोग, आखिर बोलना क्या चाहते हो, सही कि नहीं, स्पष्ट तो करो दयाल, बराबर कि नहीं? तो उसने बोला, लुका ने बोला कि एक व्यापारी इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेगा, क्या करेगा, ये बात लिख दिया कि नहीं लिख दिया तुमने, लिखो लिखो नालायको, सत्संग सुनने आए क्या मेरा तुम लोग, इतनी बारिश में रहते हुए भी, अब सर ये क्या चीज है, आपने क्या बोल दिया ये? उसने बोला कि अगर आपको आपको बिजनेस का अच्छा वाला रिजल्ट देखना है, या आपको सच में मालूम पड़ना चाहिए कि तुम्हारा बिजनेस इस हाल तक पहुंचा हुआ है, कहां से, जहां से तुमने दुकान शुरू की और आज तक के क्या क्या तुमने कमाया, क्या क्या तुमने कर्जा किया, क्या क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कितना कमाया, कितना माल बनाया, कितना खर्चा किया अभी तक के। तो उसने बोला कि पूरे जीवन काल का बिजनेस का आप अकाउंटिंग ये चार स्टेप्स में परफॉर्म करो, लेकिन ये रिपीटेशन मोड में आनी चाहिए। तो हमने लुका को बोला, लुका ऐसा क्यों? तो लुका ने हमको एक बात समझाई, वो बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? अब उसने क्या बोला, देखो बोला, बोला देखो एक रेस चलती, रेस चलती, रेस रेस तोड़ती ना, तो रेस में जीता या हार ये कब मालूम पड़ती है, रेस खत्म होती, रेस खत्म होती, बराबर कि नहीं, अरे बराबर कि नहीं नालायको, तो आया ना बोलते हो, मेरे को लगना चाहिए कि आप बैठे हो लोग। तो हुआ इस तरीके से, लुका ने बोला जो एक रेस स्टार्ट होती है तो उसका रिजल्ट कब आता है, जब रेस खत्म होती है। वैसे ही बिजनेस एक रेस है, तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं, टू नो द रिजल्ट, फाइनेंशियल अकाउंट क्या करता है, टू नो द। अब रिजल्ट कब मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली कमाया गया, जिस दिन मैं दुकान बंद करूंगा, मानते हो कि नहीं?
अरे भाई ओवरऑल तुमको अल्टीमेट जो प्रॉफिट लॉस मिलेगा वो कब मालूम पड़ेगा? जब दुकान का शटर बंद करोगे हमेशा के लिए, दुकान बंद करोगे, वाइंडिंग अप बोलते क्या उसको, वाइंडिंग अप करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हमने इस बिजनेस से कमाया भी कि नुकसान किया। अभी फिलहाल कुछ नहीं, अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अब मैं सिर्फ उस होप के लिए जिस दिन मैं दुकान बंद करूंगा, कब करूंगा पता नहीं, पता होगा किसी को? कोई भी दुकान व्यापारी क्या सोच के दुकान लगाता है कि नहीं, ये सोच के दुकान लगाता है कि मेरा दुकान लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पालता ही दुकान है हमको। अरे बिजनेस पालता ना भाई। अरे सिंपल है, मैंने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके तुम्हारे लिए कोचिंग क्लास खोली इतनी बड़ी, तो ये सोच के कि हाँ 5 साल में बंद कर दूंगा, कोई भी नहीं सोचता भाई, सही कि नहीं? हर कोई क्या सोचता कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो दुकान जिंदगी भर चलेगी, ऐसे हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये होप के लिए सिर्फ बैठ जाऊं, ये होप के लिए सिर्फ मैं बैठ जाऊं कि मैं हिसाब किताब तो बाद में करूंगा, क्योंकि रेस रिजल्ट तो कब मिलता है, रेस खत्म होने के बाद। वैसे ही मैं अगर ये होप रख के मैं बैठ जाऊं कि लूका तेरी ये प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हमको दुकान बंद करने की नौबत आएंगी और जब हम देखेंगे, हमको देखना है कि हमने कमाया कि गवाया। तू तो बेटा ये फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बराबर कि नहीं? तो मैं इतना एक साथ डाटा इवेल्युएट कर ही नहीं पाऊंगा लूका बोलता। और इसलिए इसलिए लूका ने बोला कि बिजनेस को, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई छूट रहा तो नहीं यहाँ पे? देखो ये सेशन होने के बाद मैं पूछूंगा आपसे, हाँ, क्योंकि 2 दिन नहीं हूं अभी, फिर मंडे ट्यूसडे में नहीं आऊंगा आपकी क्लास में, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा हूं। अगर आज समझेगा तो ही आपको आगे आएगा। तो लुका ने बोला कि आप वो लॉन्ग टर्म जर्नी को नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ चैप्टर ने क्या, सुनो, लुका ने बताया कि आप क्या करो, आप अगर ये सोचोगे कि आपने 2001 में बिजनेस शुरू किया और आपने हिसाब किताब नहीं किया, क्योंकि दुकान बंद तो ना कर रहे, हिसाब किताब इंसान कब करता? अरे रिजल्ट कब निकालता ऑलरेडी, ओवरऑल जब बंद खत्म होता जब पिक्चर, बराबर कि नहीं? और मैं अगर ये सोच के मैं से बैठ जाऊं कि हाँ 2001 में मैंने पिक्चर शुरू किए, मैंने दुकान शुरू किए, अब 2023 हो गए, 23 साल में पिक्चर और चल रही है, यानी दुकान आगे चल रही है, और 3-4 साल में चलेगा, इसके बाद शायद बंद होगा। और मैं अगर 3-4 साल यानी 2023 सपोज मेरी दुकान बंद भी हो रही, सपोज, और मैं अगर ये सोचूं कि 2023 में दुकान बंद करके मैं हिसाब किताब करूंगा, तो बताओ इतने बड़े जर्नी का मेरे पास डाटा कितना होगा? कल ही बताया, एक एक साल में अगर एवरेज हमारे पास 30,000 बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो 23 साल में तो खतरनाक हो जाएंगे। अब उतना डाटा में अगर एक साथ में रिपीट करूँ, एक साथ अगर मैं इवेल्यूट करूंगा, आई एम नॉट एलिजिबल, फिर कोई लूका है या लूका के पप्पा है वो बोलेंगे भाऊ मैंने कहा था डबल सिस्टम सही है, लेकिन मैंने ये भी कहा था अकाउंटिंग साइकिलिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग से साइकिलिंग। तो उसने बोला कि ये जो 4 स्टेप है व्यापारी को हर साल रिपीट करना पड़ेगा, जैसे हमारी बारिश का साइकिलिंग प्रोसेस होता है ना, मेरे को मालूम नहीं है, रेन हार वो साइकिल, रेन हार रेन साइकिल होता है ना, कैसा था? देखो बारिश आती, पानी भरता, फिर वॉमिट आता, वो क्या होता है, वेपर्स आते, हवा वो धूप उसको पीती, बादल बनते, फिर पानी भरते, रिपीटेशन है क्या ये, बराबर कि नहीं? वैसे ही एक व्यापारी को, उसने कहा एक व्यापारी को अगर बिजनेस को सच में मेरे अकाउंटिंग से रिजल्ट निकालना है बिजनेस का, तो मेरी अकाउंटिंग सच में, लेकिन कब? जब आप ये हर साल रिपीट करोगे, यानी क्या, हर साल बनाने, साल साल में तुमको बिजनेस को इस तरीके की क्लोज करना है जिस तुम्हारी दुकान आज बंद हो रही है, ऐसा अज्यूम करो, क्या करो, अज्यूम करो, और नए सिरे से फिर से वो नए साल से वो अकाउंटिंग साइकिल जब शुरू करोगे, तो समय समय रहते हुए एक एक साल का तुम हिसाब किताब निपटाते निपटाते अपने बिजनेस को इवेल्युएट करते करते रिजल्ट जानते जाते हो। और इसलिए हर साल के पहले दिन पर बिजनेसमैन अपनी हिसाब किताब इस स्टेप से करता है, और साल के आते आते वो ये स्टेप में आ जाता है, और ये स्टेप सक्षम है पूरे बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए। क्योंकि पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे आते आते डाटा 3-4 पेजेस में अपने आप आ जाता है। वो 30,000 के बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को कम करने के लिए ये स्टेप्स बनाए गए हैं, क्योंकि हम 30,000
30,000 बिजनेस ट्रांजेक्शन को इवेल्यूएट करने बैठे तो एक जन्म तो लग ही जाएगा, और फिर भी जो डाटा आएगा वो गलत, मैंने आपको उस दिन बताया, याद करो, सही कि नहीं। अरे मैंने 30,000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए बिजनेस के, रोज के रोज डायरी रिजी भरी, ऐसे 10 रजिस्टर भरेंगे तो भरेंगे, और 10 रजिस्टर में अब मैं सब देखता हूँ कि मैंने साल भर में खरीदी कितनी, मैं वो भी निकाल नहीं पाऊंगा। वी नीड टू कंप्रेस माई डाटा। और लुका ने बोला इसलिए अकाउंटिंग के 4 स्टेप दिए, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे डाटा हमारा कंप्रेस होते होते जाएगा, और इसलिए अकाउंटिंग को प्रोसेस भी कहा है और अकाउंटिंग को साइकिल भी कहा है। समझा आपको क्लियर? यानी क्या हुआ, साल के पहले दिन पर डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है? जर्नल के बाद क्या होती है? लेजर के बाद क्या होता है? और फाइनल अकाउंट उसके बाद होता है। और यहाँ रहते हुए डाटा हमारे पास 3-4 पेजेस में पूरे साल भर का चिट्ठा आ जाता है। अब 3-4 पेज इवेल्युएट करना अच्छा है, सही है कि 10 रजिस्टर भर के? ज्यादा जल्दी डाटा किसका निकाल पाओगे? उसमें सब आ गया। यानी अगर कोई बोलेगा कि साल भर में खरीदी कितनी की, तो 3 पेजेस के अंदर वो लिखा हुआ है, आप बता दो उसको, एक मिनट में मालूम हो जाएगा। साल भर में माल कितने का बेचा मालूम होगा, साल भर में सैलरी कितनी बांटी, एक एक मिनट के अंदर। यानी यहाँ ये मेन स्टेप है, लेकिन ये स्टेप में पोस्टे पोस्टे के लिए 3 स्टेप्स गुजारनी पड़ेगी। अब सर कौन सी स्टेप बुककीपिंग में आएंगी और कौन सी अकाउंटेंसी में आएंगी? देखो फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, पक्का अच्छे से? हाँ फास्ट हो रहा है क्या दिशांत? हो रहा तो बता, किसी और के लिए मत बोल। हाँ अब बता, इसमें दो स्टेटमेंट में क्या नहीं समझा? अकाउंटिंग साइक्लिंग पर समझा, यानी क्या सीखा बता, क्या सीखा जल्दी दिखाई दे। एक्चुअली क्या था, पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाए थे ना, देखो वीडियो आने, इन शॉर्ट वीडियो को हम क्लास से मैच करते हैं, तो उसमें क्या हुआ, रिव्यू क्या है सर, ऐसा लगा था ना आप मतलब बहुत स्लो बोल रहे हो, यानी बहुत स्लो क्लास हुई थी हमारी पिछले साल, तो इसलिए वो इवैल्यूएशन करने के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया कि हमने बोला कि नहीं इतना स्लो लेंगे तो डाटा जल्दी नहीं दे पाएंगे, सही कि नहीं? तो इसलिए काम की बातें हम कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे नहीं। हाँ इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन, आप बता सकते हो, खैर हो। अब मैं दो स्टेटमेंट दी, बोलो कौन कौन सी? लुका ने डबल एंट्री सिस्टम के लिए क्या बोला बताओ? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों बोली पूछो, क्यों? क्योंकि लुका ने बोला मेरे अकाउंटिंग, मेरे सिस्टम से अकाउंटिंग करोगे तो एक स्टेप में नहीं होने वाला है, 4 स्टेप। कितनी स्टेप? 4 स्टेप। कौन सी? फिर उसने दूसरी स्टेटमेंट दी, अकाउंटिंग इज साइक्लिंग, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग इज अ साइक्लिंग प्रोसेस। साइक्लिंग प्रोसेस की बोला कि मेरे सिस्टम से अगर अकाउंटिंग यूज करना है तो साल साल में ये सिस्टम हर साल रिपीट होनी चाहिए, और इसलिए देखो व्यापारी साल साल का अकाउंट करके निपटाते जाता है, और साल के एंड में वो यहाँ पर रहता है, और फिर अगले साल से ऐसा अकाउंटिंग करता है जैसे नया ही दुकान शुरू किया अभी तक, सब कुछ नया है। देखो आप मार्केट में फैलते हैं, मार्च एंडिंग है, क्लियर कर क्लियर कर क्लियर कर ड्यू बोलते ना, ऐसे देखा नहीं आपने? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इस तरीके से खत्म करता है कि जैसे आज ही मेरी दुकान बंद हो रही है, और ये ओनली अजम्पशन है। क्या ये अजम्पशन किसने लाया है, आगे आपको बताया जाएगा। समझा आपको? क्लियर पक्का? हाँ अब दो स्टेटमेंट तो दिया मैंने, यानी क्या सीखा बोल, अगर तो दुकान की अकाउंटिंग करेगा तो साल साल में ये 4 स्टेप परफॉर्म करते करते अपने बिजनेस को साल भर का परख पाएगा कि मैंने ये साल में क्या किया, ये साल में मैंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, ये साल में मैंने कितना नुकसान किया, प्रॉफिट किया, कर्जा लिया, सब 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 इवैल्यूएशन करेगा, सब आ जाएगा। और सबसे परफेक्ट सिस्टम है ये आज की, समझा? क्लियर? इसलिए लॉन्ग लास्टिंग को जर्नी को उसने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हर एक साल, इसलिए अकाउंटिंग एक साल की होती है। क्या होती है? साल के एंड में फाइनल अमाउंट बना के हम खत्म करते हैं, और फिर नए साल से फिर से फर्स्ट स्टेप रिपीटेशन। क्या होती है वो? हाँ अब सवाल आता है कि सर ये फर्स्ट स्टेप में हम करते क्या है और इसका मतलब क्या है, ये जर्नल एंट्री वर्ड कहाँ से आया हुआ है? तो इसका जिक्र हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है? हैव अ नाइस डे, टेक केयर। एक